आज हम देसी तरीके से मटन बनाएंगे, जिसके लिए मटन को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इसके बाद मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए प्याज और हरी मिर्च ली है। आप हरी मिर्च के जगह सूखे मिर्च ले सकते हैं। ढेर सारे लहसुन लिए हैं, अदरक लिए हैं, काली मिर्च लिए हैं, गोटा जीरा और गोटा धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। मसालों को हमने पीस कर रेडी कर लिया। सारे पीसे मसाले को मटन में डाल दिया। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, दो बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और सरसों का तेल। अब सारी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हमने मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे आधा घंटा मैरिनेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। मटन को मैरिनेट हुए हमारे आधे घंटे हो चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो जाने पे उसमें ढेर सारे तेज पत्ते, सूखे मिर्च, दालचीनी और इलायची, थोड़ा सा हींग, और 1 कटा प्याज डालते हैं। और अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज जब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो उसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मटन को हम ढक ढक कर बीच बीच में चलाते हुए लगभग आधा घंटा तक भूनेंगे। जितना मटन को भूनेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। मटन को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें गरम पानी डालेंगे। मटन को बॉईल करने के लिए हमेशा गरम पानी का ही इस्तेमाल करें, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। अब इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर। मटन हमारा पककर रेडी हो गया है। अब इसमें गोटा गरम मसाला पाउडर को हमने पेस्ट बना लिया था वो डाल देंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे। मटन हमारा बनके रेडी हो गया है। अब लास्ट में उसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसे उतार लेंगे। मटन हमारा बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।